तो भाई अब हम लोग पहुंच गए हैं सूरज कुंड मेला और यहाँ पे हमारी खड़ी हुई है बाइक। ये देख रहे हैं आप लोग, एक नंबर बाइक लग रही है। और ये हमारी मैडम खड़ी है यहाँ पर। ये आ गए अंगूर और ये हमारी खड़ी हुई। सॉरी मिल गया, हो गया ना? मिल गई हाँ। तो ये हमारा चेला टिकट ले आया यहाँ पर। 140 बचा है, रख लो आप। ये आपकी पॉकेट मनी हो गई, आज का खर्चा है आपका। हाँ जी चलो। तो भाई ये आ गया भाई, देखो ऊपर गुजरात थीम है, गुजरात लिखा है इधर ना सामने। भाई बिल्कुल नेचुरल बनाते हैं लोग, अंदर झूले वूले भी हैं। चलो भाई, और हम भी यहाँ पे हैं। आप शॉर्टकट चाहिए होगा हमें, क्योंकि शॉर्टकट का ही ज़माना है और हमें बहुत आगे जाना है। चलो 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 रमीना। हेलो दोस्तों, की हाल चाल गाइस? सब बढ़िया गाइस, व्यू कहीं पैसे हैं, आप सब लोग कैसे हैं गाइस? और देखिए आज हम लोग फिर से जा रहे हैं बहुत ही एक अच्छी ट्रिप के लिए। और ये ट्रिप है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ हम लोग जा रहे हैं सूरज कुंड मेला। और ये जो मेला है वो 2 फरवरी से लगाता है, वही 18 फरवरी तक चलेगा। और भाई नज़ारा देखिए, ये जो एरिया कहलाता है बोंटा पार्क के पास रिज एरिया कहलाता है। और यहाँ से सिविल लाइन आके निकल रहे हैं हम। और हाँ, तो ये पहली बार जो इंडिया में लगा था वो 1987 में लगा था, और आज हम वहीं जा रहे हैं। एक घंटा गूगल में बता रहा है, करीब 53 मिनट्स के आसपास अराउंड, और 1:01 पहुँचने की बोल रहा है। 30 किलोमीटर दूर है, हरियाणा में जा रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी आगे से राइट कट बता रहा है। ये राइट कट क्यों बता रहा है? हरियाणा में है तो फरीदाबाद है हरियाणा में, देखते हैं। चलो उसकी बात मानेंगे, क्योंकि कभी कभी समझदार लोगों की बात मान लेनी चाहिए। चलो भाई, टाइगर रॉक सॉल्ट, कैप्टन व्यम। पांडे जा रहा है मेरा, पांडे पांडे। ये जो जगह है वो ISBT आ गई है, ISBT। और सामने सीधा जा रहा है गाज़ियाबाद की तरफ, और आगे से कट लेने को बोल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, आगे से कट लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, और ये दिलशाद गाना आनंद व्याज गाज़ियाबाद शाहदरा ये है, और यहाँ से कट ले लेते। यार डाउट हो रहा है यार, ये हरियाणा में है या इधर की तरफ जाना है, देखना पड़ेगा। आज से करीब कई साल पहले गया था मैं। ये जो आगे रोड आ रही है वो GT रोड आ रही है, ग्रांड टंक रोड। शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी ये रोड हाईवे, इसे ग्रांड टंक रोड कहते हैं। ये वाली रोड जो जा रही है आगे, ये वाली GoPro लगा रहे थे आगे यहाँ पर, डंडी उसर की GoPro लगाते नहीं नीचे से, तो उसका बेस का प्लग टूट गया। इस चक्कर में अब एक हमने दूसरा तरीका ढूंढा है, आप लोग को फ्रंट से नहीं दिखा पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा को थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप लूँगा आपके सामने। एक मिनट, बहुत सो मच डाउट। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? सूरज कुंड मेला तुमने चेक नहीं करा था? और फाइनली हमने चेक करा, अब देखा कि यार सूरज कुंड मेला जो है, हम लोग हरियाणा इधर से जाते हैं हमेशा सीधे मैक्सिमम टाइम, लेकिन ये यमुना जी के इधर की तरफ ले जा रहा है, इसलिए मुझे डाउट हो रहा था, हमने चेक करा। हाँ वहीं जाना है, हरियाणा फरीदाबाद बॉर्डर के पास है, आसपास कहीं ये लगता है। तो चलो भाई चलते हैं। और बताओ गाइस आप लोग कैसे हो? सभी लोग का गाइस जो भी है स्ट्रीम पर बहुत बहुत स्वागत है, और इसी तरह से आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कभी कभी वक्त निकलता है तो निकल आते हैं, किस बहाने घूमना भी जाता है, वीडियो भी बन जाती है हमारी। ओ भाई एक्चुअली बहुत दिनों बाद गाड़ी चला रहा हूँ, करीब डेढ़ दो महीने बाद, उस ज़्यादा हो गया। इस चक्कर में थोड़ा सा रोड पे अपना प्रो, दोबारा से प्रो बनना होगा रोड पर, क्योंकि रोड की जो राइट लेफ्ट जो चीज़ देखनी होती है ना, वो आधा छूट जाती है। अब रोज़ तो गाड़ी चलाता नहीं हूँ मैं, बस घर से जिम जाता हूँ, जिम से घर आता हूँ। इस चक्कर में थोड़ी सी आदत बिगड़ गई है, देखना पड़ेगा उसको। चलो अब सही है, थोड़ा सा राइट लेफ्ट मूव करेंगे ना तो फिर से आदत बन जाएगी। फिर गाड़ी जब चलाते हुए ना राइट लेफ्ट देखना पड़ता है, कोई राइट से आता है कोई लेफ्ट से आता है, तो इस चक्कर में ना कोई बैल देता है। ये जो है आपका मोनेस्ट्री है, हैप्पी लोसार, कोई फेस्टिवल लग रहा है, सबके फेस्टिवल इंडिया में। भारत एक धर्मों का देश है, और यहाँ पर कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे वाणी, भाषाएँ भी बदलती हैं। थोड़ी दूर जाओगे पानी बदल जाएगा, जातियाँ धर्म कई तरह के संस्कृतियों से भरा हुआ देश है, और ये इसे संपन्न है। हमें बहुत ही खुशी होती है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं हैं, और ये बहुत अच्छी बात भी है, इससे बहुत सीखने को मिलता है। धूप आ रही है सामने से, तो ये मेरे पास एक सन ग्लास है, मैंने ये लगा लिया यहाँ पर, आपको दिखाता सामने से अगर रिकॉर्डिंग होती तो। कोई नहीं, अब यहाँ से आगे जमुना जी पड़ेगी, सामने आगे जा रहे हैं जमुना जी। ये सन आ गया, ये सन ग्लास जो है हमारे, इसमें एग्जोर एपेक्स हेलमेट है, इसमें काफ़ी सपोर्ट देता है, कई बार तो यार मज़ा आ जाता है सच पहन के चलाने में, वरना आँखों में ऐसे धूप लगती है, क्या बताऊँ, जो चलाते होंगे ना पता होगा जब धूप सामने की तरफ आती है। तो एक ऐसा हेलमेट लो जिसके अंदर सन ग्लास हो, या चश्मा लगा लेते हैं बहुत से लोग, तो मुझे चश्मा लगाने की आदत है नहीं, तो सन ग्लास लगा लेता हूँ, जब हट जाए तो हटा दो उसको सामने से। भाई आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं जैकेट नहीं पहनी जा रही, मुझसे जैकेट कह रहा हूँ, ये रेड कलर का जो पहन के आया था मैं, एक अपर, इतनी गर्मी हो गई भाई दिल्ली में। कोई कहेगा भाई 10 दिन पहले क्या ठंड थी, उस दिन के बाद इतनी गर्मी है कि भाई कपड़े नहीं पहने जा रहे दोबारा से। दिल्ली का भी अपना हिसाब है भाई, एकदम ठंड बढ़ जाती है इतनी तेज कि हालत ख़राब हो जाती है, और एकदम एकदम गर्मी आ जाती है। ओ भाई क्या बिल्डिंग है, संत परमानंद हॉस्पिटल, ओ भाई इमरजेंसी सही बनाया भाई। तो बस आ रही है, बस वाले ऐसे भाई चलाते हैं गाड़ी, डरा देते बंदे, मुझे देखो बगल से निकाल दिया इसने। हरियाणा रोड पे, हरियाणा वाले तो भाई गाड़ियाँ क्या बताऊँ उनकी, ये तो बहुत तेज चलाते हैं गाड़ी। तो भाई ये जो आ गया है सामने, यमुना जी का पुल आ गया है, यमुना ब्रिज, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी। ये देखिए चिमनी देखो कितनी बढ़िया, रात में लाइट जलती है इसमें, बस लाइन को फ्री रखें भाई। बस वालों की भी चौड़ है भाई आजकल, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है इधर, अभी यहाँ से सीधा मुड़ना भाई एकदम कट आएगा, 40 मिनट्स बता रहा है अभी। सन बिल्कुल सामने चल रहा है भाई, देखो ये तो सन ग्लास का फायदा है,
दिल्ली में इतनी गाड़ियाँ हो गई भाई, इतनी गाड़ियाँ हैं, साइकिल वाला नहीं दिखता, सिर्फ गाड़ियाँ 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 ही गाड़ियाँ। पहले जब आया था सबसे ऊंची बिल्डिंग वाली लगती थी, अब इससे भी ऊंची बिल्डिंग देखो उन्होंने यहाँ बना दी, अभी बहुत ऊंची बिल्डिंग है भाई, ये सामने बन रही है एक और। ओ भाई अभी ऊपर चढ़ा रहा है, चलो ऊपर चढ़ गए। ये देखो भाई क्या चिपका से ले जा रहा है गाड़ी, ये मंदिर है आगे, तीस मिनट है भाई और रह गए। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हवा भी उड़वाएंगे यार पिछले पहिए में, अभी आगे पहिए में बहुत दिन से हवा नहीं डलवाई, और ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा हो रहा है सड़क पर। यहाँ पर ऊबर इंटरसिटी फॉर आउट स्टेशन ट्रैवल, ओ भाई ये क्या बता रहा भाई, क्या हो गया हमसे गलती, दो रास्ते क्यों दिखा रहा है, गलत जा रहे क्या, उधर से भी दिखा रहा है यार मैप में, दो जगह से दिखा रहा है मैं इसके कुछ मोड़ने को क्यों बोल रहा रवि ना, ये हाथ दे हाथ दे, तो भाई हमें एक टर्न लेना था यहाँ से रूट टर्न, और हमने इधर टर्न ले लिया तो इसलिए हमारा कट गया, कोई बात नहीं ये तो आम बात है हमारा। सूरज कुंड मेला जो है वो हरियाणा और फरीदाबाद के पास लगता है, और वो इधर के आगे से कट बता रहा है इधर की तरफ, तो नीचे से जाना पड़ेगा क्या, तो ऊपर से जाना पड़ेगा, गलत ले रहा हूँ मैं चौदह, ऊपर से जाना है यार, फिर कट गया हमारा, फिर कट गया हमारा, नीचे से नहीं ऊपर से जाना है यार, ऊपर से जाना था यार, और ये हमारा सामने चेला खड़ा हुआ है, ऊपर से जाना था गोखी से नीचे चलेगा बट, तो भाई यहाँ से राइट कर लेना है ऊपर से, अब रास्ता पता नहीं है भाई, अब इधर मुड़ना था तुम नीचे चले गए भाई, इधर जाना है लाला लाजपत राय रोड,
नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट। जामिया हमदर्द के अगर आपने नाम सुना होगा तो आगे ये गेटअप क्लास आ गया है यहाँ पर, और आगे जामिया हमदर्द है, हमदर्द विश्वविद्यालय। मेरे दोस्त पढ़ते थे यहाँ पर, बताते थे यहाँ पर, कभी आया नहीं मैं इधर, आके बता रहा है। कैफे मिल्क मिलकाइंड, सेंट जॉर्ज स्कूल, सेंट जॉर्ज स्कूल। ना उम्र की सीमा हो ना हो कोई बंधन, जब प्यार करे दुनिया तो देखे केवल मन। होठों से चलो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो। 21 मिनट बता रहा है अब, आधा 15-20 मिनट हमने इधर उधर घूमने में हमारे निकल गए। क्या लग रहा है भाई, शिवालिक बिमेटल कंट्रोल्स LTD, ऐसा लग रहा है इस रोड पे कभी ना कभी तो मैं आया हूँ। ग्रीन फील्ड स्कूल, भाई क्या स्कूल बन गए हैं भाई, BVIP। बदरपुर आ गया सामने, और इधर राइट साइड आ रहा है महरौली, और हमें जाना है लेफ्ट साइड इधर की तरफ, तो देखते हैं, लेट्स सी। मैं इधर जाना था यार, शिट। इंसाफ बाग भाई, बाग का नाम है इंसाफ बाग भाई, यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता होगा इस बाग के अंदर। बाग से ज्यादा है हमारी तरफ भी एक वंडर पार्क है। दिल्ली में पार्क बहुत है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। F-cons. ये क्या बन रहा है, मेट्रो बन रही है। अच्छा मेट्रो बन रही है, ऐसे बनाते हैं मेट्रो। दिल्ली में हर जगह मेट्रो ही मेट्रो है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या ऊपर की तरफ बनाई हो उन्होंने। हाँ ये किला है? कुतुब, वो उसका किला है दिल्ली सल्तनत, तुम्हें बताए थे किला पड़ेगा तुगलकाबाद। हाँ तुगलकाबाद, तुगलक का किला है, तुगलकाबाद ये तुगलक का किला है, तुगलक। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, शूट कर रहा हूँ। हाँ शूट कर रहा हूँ, तुगलकाबाद एयरफोर्स STN तुगलकाबाद, यहाँ पर एयरफोर्स है। और वही किला है, बहुत साल पहले आया था मैं यहाँ पर,
भाई क्या लग रहा है किला, ये देखिए आप लोग भाई कितना ऊंचा किला है भाई, देख रहे दीवारें, क्योंकि बहुत कम से कम 400-500 साल पुराना तो होगा। देख रहे हो आप लोग कितना बड़ा भाई, बहुत बड़ा है। इसके अंदर जाने का भी गेट है, जब मैं आया था पिछले साल टिकट नहीं था इसके अंदर जाने का। सूरज कुंड मेला जा रहे हैं हम लोग, और आगे से राइट कर लेना, यानी इधर, यानी ये जो किला है फोर्ट के सामने एक कट जा रहा है आगे की तरफ, पर जाने का रास्ता तो लग नहीं रहा यार। फिर कैसे, और जो रास्ता यही है तो क्या करें। ओ भाई महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल रास्ता है जाने का। देखते हैं बहुत कुछ है देखने लायक वैसे अगर टाइम निकले तो। ये भी कुछ लग रहा है, ये पढ़ना क्या लिखा है, ये भी कुछ है बाबू, यादव जी सस्ती कचौड़ी, सस्ती है खस्ता कचौड़ी, चाट मिल रही हुई टिक्की, पानी आ गया मुंह में। चलो पहले होके आते फिर निपटेंगे भाई, क्योंकि खाना तो खा के आए हम लोग भाई। ये होता डिसिप्लिन, देखो फोर व्हीलर्स वाले अब डिसिप्लिन में गाड़ी चलाने लग गए। दिल्ली पुलिस भाई, ये देखो यहाँ पर ये पहाड़ी एरिया है भाई, ये देखो ऊपर पत्थर ही पत्थर पड़े। ये पहाड़ है कोई, आ गए लग रहा सूरज कुंड, इंसाफ बाग, बैज बिरयानी, यूपी की मशहूर दही जलेबी, आ चुके हैं सूरज कुंड लगता है। कोई फेमस जगह लग रही है यहाँ की, इंसाफ बाग, 10 मिनट लगेंगे हमें पहुंचने में। और देखो बंदर भाई, लग रहा है यही भाग है, इंसाफ भाग जिसकी बात कर रहे थे। नाम बढ़िया बात का, इंसाफ भाग। इस बंदे को देखो बिना हेलमेट के वह झंडे लगा घूम रहा है, बिना हेलमेट के लोग घूम रहे हैं आजकल। No,
भाई ये क्या बेच रहा है यहाँ पर? अभी पहले चलेंगे वहाँ पर, वहाँ से आने के बाद टाइम निकाल कर पेट पूजा करेंगे। अभी खाना का तो खा के आई है, पहुँच ही गए 8 मिनट बता रहा है सूरज कुंड मेले के लिए। ओनली 8 मिनट्स, आई हैव टू गो मोर। भाई बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है भाई, आप सोचो दिल्ली के पास हो, दिल्ली में ही पता नहीं दिल्ली के पास हो और नज़ारा देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नेचर से। कौन कहता है कि दिल्ली के मतलब नेचुरल नहीं है। ये बाग कितना बड़ा, वेलकम टू अशोला हुट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चलेंगे किसी दिन, यहाँ भी आएंगे एक दिन। जिंदगी में है क्या, हर जगह देखेंगे। गर्मी आ गई है भयानक सही में। 7 मिनट रह गए, अभी धूप धूप मांग रहे थे। इंसान भी ऐसा ही है, अभी कुछ दिन में इतनी पहले ठंड लग रही थी, धूप धूप धूप, अब धूप इतनी निकल रही है, अब गर्मी ज़्यादा लग रही है। यही है इंसान भाई। यहाँ पे टाइगर भी है भाई, गति रोक धीरे चले। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस अभी भी दिल्ली में, दिल्ली में पधारने के लिए धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। अच्छा ये अब हम लोग फरीदाबाद आ गए, यहाँ से फरीदाबाद स्टार्ट है, उधर दिल्ली पुलिस है पीछे, यहाँ फरीदाबाद। हाँ बॉर्डर था ये दिल्ली और फरीदाबाद का। बीस किलोमीटर की इजाज़त है, हम 40 पे चल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई, सीधा सीधा चल नहीं पा रहा। सूरज कुंड मेला ये देखो भाई, गाड़ियाँ आगे चलेंगे, आगे आगे, पता है किधर है, बस बोलना है। हाँ हाँ ही कर दो पार्क, फिर जाओगी किधर, पता किधर जाना, बस बोल दिया। तो भाई सूरज कुंड मेले में हम पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट का रास्ता है, बहुत सारी आगे पार्किंग है बाइक वालों की। तो भाई अब हम लोग पहुंच गए हैं सूरज कुंड मेला और यहाँ पे हमारी खड़ी हुई है बाइक, ये वो देख रहे हैं आप लोग, एक नंबर बाइक लग रही है भाई। हमारी मैडम खड़ी है यहाँ पर, ये आ गए अंगूर और हम यहाँ पर खड़ा है आपका, अच्छा मैं खड़ा हूँ मतलब। तो ये अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे मेले की तरफ, ये अंगूर लाए थे हम, चले तैयार हो गई आप रेडी, हमारी खड़ी हुई। डिस्काउंटेड कैटेगरी 120 रुपये, पर ये वीकेंड पर बाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर जाओगे जनरल कैटेगरी 180 रुपये कैश सेल, सॉरी 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 मिल गया, हो गया ना, मिल गई हाँ। तो ये हमारा 6 लाख टिकट ले आया यहाँ पर, 140 बचा है, रख लो आप, ये आपकी पॉकेट में नहीं होगी, आज का खर्चा है आपका। हाँ जी चलो। तो भाई ये आ गया भाई, देखो ऊपर गुजरात थीम है, गुजरात लिखा है था ना सामने, भाई बिल्कुल नेचुरल बनाते हैं लोग, अंदर झूले वूले भी हैं। चलो भाई और हम भी यहाँ पे हैं, आप शॉर्टकट चाहिए होगा हमें, क्योंकि शॉर्टकट का ही ज़माना है और हमें बहुत आगे जाना है। चलो 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 रवीना,